नमस्कार दोस्तों, पोखरण का नाम जब भी दिमाग में आता है तो हमें भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की याद आ जाती है, क्योंकि मई 1974 और मई 1998 में भारत सरकार ने यहां पर न्यूक्लियर यानी परमाणु बॉम्ब की टेस्टिंग की थी, जो कि सफल भी हुई थी। और इसके ऊपर बॉलीवुड ने एक मूवी भी बनाई थी रिसेंटली, जिसका नाम था परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण। उस मूवी में जॉन अब्राहम ने लीड कैरेक्टर प्ले किया था। पर मैं आपको बता दूं, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट रेंज यानी कि जहां पर परमाणु बॉम्ब की टेस्टिंग हुई थी, वहां सिविलियंस का जाना मना है, तो वहां तो नहीं जा पाएंगे हम। पर पोखरण में सिर्फ वही नहीं है देखने को, कुछ हिस्टोरिकल प्लेस भी हैं, वहीं हम आज जाने वाले हैं, उन्हीं के बारे में आपको आज बताऊंगा। हेलो दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं पोखरण और आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ये है शक्ति माता मेमोरियल छत्रीय। जी हाँ, यही है इस प्लेस का नाम और ये यहाँ का काफ़ी फेमस प्लेस है। पर यहाँ जाने के लिए आप देख सकते हो रास्ता नहीं है, मेरे पीछे देखिए ये ट्रेन की पटरी है। गाड़ी ठीक आप यहाँ पे खड़ी करेंगे, देन ये पटरी पार करेंगे, ध्यान से कोई ट्रेन ना आ रही हो या जा रही हो ये देख के आप पटरी पार कीजिएगा। तो अब हम जा रहे हैं इस प्लेस पे और देखते हैं क्या है शक्ति माता मेमोरियल छत्रिया। तो चलिए चलते हैं, आइए मेरे साथ। तो जी हम पहुंच चुके हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है राजा हिंदुस्तानी। ये है शक्ति मेमोरियल छत्रियां। छत्रियां मतलब यहाँ इन गुंबदों की शेप से है इस तरह की ये दिख रही हैं। छत्रियां जो होती है, छाता जो होता है, दिखने में ये छाते जैसी हैं, तो इनको छत्रियां बोला गया है। शक्ति मेमोरियल इसलिए बोला गया है कि जो यहाँ के रॉयल राजपूत थे, जो रॉयल फैमिलीज थी, उनके सम्मान में इनको बनवाया गया था, तो इसीलिए इसको बोलते हैं शक्ति माता मेमोरियल छत्रियां। काफी सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं। इसको सेनोटैफ बोलते हैं, लाल पत्थर, रेड स्टोन के सेनोटैफ हैं ये। राजस्थान में लाल पत्थर पाया जाता है, उसी से ये बनाई गई है। आसपास आप देख सकते हो मेरे पीछे चारों तरफ एकदम सुनसान है, एकदम सुनसान में ये बना हुआ है। तो आप देखो मेरे पीछे कुछ नहीं है, यहाँ पे रेल की पटरियां हैं, यहाँ रेल जा रही है पीछे, ये रेल की पटरियां, हमारी गाड़ी खड़ी हुई है उधर पीछे की तरफ, तो वो देखिए वहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी की इधर पटरी, पटरी पार करके आते हैं हम यहाँ शक्ति माता मेमोरियल छत्रियां। अब हम जाएंगे पोखरण फोर्ट। तो दोस्तों आ चुके हैं पोखरण फोर्ट और कार पार्किंग फोर्ट के एकदम बगल में ही होती है। पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्रीली यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और अगर आपने परमाणु मूवी देखी है तो ये वही गेट है जहाँ से जॉन अब्राहम और जो मूवी की जो एक्ट्रेस थी वो यहीं से एंटर करते हैं साथ में दोनों। और एंटर करते ही बगल में आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा जहाँ से आप फोर्ट देखने के लिए टिकट खरीद सकते हैं। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसा कि पूरे राजस्थान में मैंने अभी तक देखा है, DSLR अगर लेके आ रहे हैं, DSLR से आप फोटो खींचना चाहते हैं या वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से चार्जेस देने होंगे। अंदर का हिस्सा जहाँ पर परमाणु मूवी के कुछ बाकी सीन्स शूट हुए थे, जहाँ पे जॉन अब्राहम की टीम होती है वो अपना पूरा सेटअप लगाती है।
जगदीश जी हैं, यहाँ के गाइड हैं, उनसे जानेंगे इस किले के बारे में। तो जगदीश जी कुछ बताइए, इस किले का इतिहास क्या है, कब बना? ये 1414 में बना था और इसका हीरा खान का पत्थर यूज किया हुआ है। हीरा खान जो ये पहाड़ी पे आया हुआ है, जैसे यही जैसलमेर की पहाड़ी? नहीं नहीं, ये पोखरण पहाड़ी। अच्छा, ये पत्थर ज्यादा बारिश पड़ती है, ये ज्यादा स्टर रहता है। अच्छा, और ये बारिश के समय बहुत ही सुहाना लगता है। अच्छा, और इनके जो मंगल निवास की जो कलाकारी है ना, वो आपको ऐसी कलाकारी कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, इसमें बारीकी है और जीड़ा वर्क किया हुआ है इसमें। मंगल सिंह जी ने बनाया था, मंगल निवास के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, महाराजा मंगल सिंह जी ने बनवाया था। महाराजा मंगल सिंह उन्होंने बनवाई थी, उनके नाम से ये प्रसिद्ध है मंगल निवास। तो उनके कुछ उनके वंशज हैं अभी? पीढ़ी पेड़ दर पीढ़ी चल रही यही रहते हैं पोखरण में? यही रहते। अच्छा, तो अभी भारत सरकार के अंडर में आता? नहीं नहीं, मालिक है इनके, ठाकुर नगेंद्र सिंह जी वो केयर टेकर हैं इसके, वही पोखरण में रहते हैं। पोखरण ठाकुर, ठीक है। चलिए जगदीश जी, नमस्कार, थैंक यू। और ये है आपका मंगल निवास जिसकी लोकल गाइड बात कर रहे थे। यहाँ एंट्री अभी मना है, अंदर नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप एंटर करेंगे तो किले के दूसरे हिस्से में पहुँच जाएंगे जहाँ पर म्यूज़ियम है। ये जो सामने पीली वाली बिल्डिंग है ऊपर, ये फोर्ट म्यूज़ियम है और ये ओपन एरिया है जहाँ पर टूरिस्ट घूम रहे हैं। ज़्यादा खास म्यूज़ियम तो है नहीं, बहुत छोटा सा यहाँ पे म्यूज़ियम है। उसमें कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। पर बीकानेर फोर्ट में जितना बड़ा म्यूज़ियम था, वो उतना बड़ा म्यूज़ियम यहाँ पे नहीं है, छोटा म्यूज़ियम है। ये उस ज़माने के कपड़े रखे हुए हैं, कुछ तलवारें भी रखी हुई हैं जो आप देख सकते हैं। ये देखिए उस ज़माने की बैलगाड़ियाँ, बैलगाड़ी, बुग्गी, घोड़ा गाड़ी, जो कह लो। तो आ गए देखो ऊपर, और यहाँ से पूरा किला दिखता है लगभग, नज़ारे काफ़ी सुंदर हैं यहाँ से। देखिए मेरे पीछे वो पीली वाली गुंबद, ये देखिए पुराने ज़माने की तोपें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। एकदम लोहा, मजबूत, बहुत भारी। तो दोस्तों ये था पोखरण का किला, पोखरण फोर्ट, और काफ़ी मज़ा आया मुझे यहाँ पे भी। तो इसी के साथ आज हमारी पोखरण की जर्नी, पोखरण की साइट सीइंग ख़त्म होती है और अभी हम जाएंगे जैसलमेर। मैं रात में गाड़ी चलाऊँगा, देखते हैं, मज़ा आएगा। राजस्थान की सड़कें बहुत अच्छी हैं, ट्रैफिक कम है यहाँ पे। तो अभी जाएंगे फिर से अपनी रोड ट्रिप पे। तो चलिए चलते हैं जैसलमेर। फाइनली वो समय आ गया है कि अब मैं जाने वाला हूँ जैसलमेर, वहाँ जाके कैंपिंग करेंगे, नाइट सफारी करेंगे और सैम ड्यून्स देखेंगे। बाय बाय। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो अब हम जा रहे हैं जैसलमेर जैसा कि मैंने बताया, पर एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा जाने से पहले, कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं पर लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। बाय।